हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे रशिया की मानी जानी यूनिवर्सिटी क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में। क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी वॉज प्रीवियसली नोन एज क्रीमिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, लेकिन कुछ ही सालों पहले उसका नाम क्रीमिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी रखा गया। क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी रशिया के क्रीमिया स्टेट में, क्रीमिया रीजन में, सिम्फेरोपोल सिटी में आया हुआ है। सिम्फेरोपोल क्रीमिया का कैपिटल सिटी है। मैं आपके सामने यूनिवर्सिटी की थोड़ी हिस्ट्री रख देता हूँ। क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी 1980 में बनी हुई है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है और क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी रशिया में इंग्लिश मीडियम पढ़ाने वाली सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक। यहाँ पे काफ़ी सालों से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है। क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में पूरे 6 साल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स की बैचेज वहाँ से पढ़ के निकल चुकी है। एक्सपर्टीज एजुकेशन कंसल्टेंसी, जो हमारी कंसल्टेंसी है, वो क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी को 2011 से रिप्रेजेंट कर रही है इंडिया में, और हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे 2011 से जाते हैं, और हमारी क्रीमिया की 4 बैचेस पास आउट होके निकल चुकी है। क्रीमिया जो स्टेट है, जो रीजन है, वो ब्लैक सी से सराउंडेड है। उसके आसपास में ब्लैक सी है, इसी वजह से वहाँ पे ठंडी ज़्यादा नहीं रहती, ह्यूमिड टेम्परेचर रहता है, और क्रीमिया बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। क्रीमिया की मैं हिस्ट्री बता दूँ, बेसिकली क्रीमिया जो है सबसे पहले रशिया के पास था, लेकिन 1954 में क्रीमिया यूक्रेन के पास आया, और उसके बाद 2014 तक यूक्रेन के पास रहा, और 2014 में, जो आपने सुना होगा, यूक्रेन और रशिया की कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसकी वजह से रशिया ने क्रीमिया को वापस अपने अंडर में लेना चाहा। तो वहाँ पे वहाँ के लोगों में वोटिंग हुई और मेजोरिटी ऑफ पीपल ने क्रीमिया को रशिया की तरफ वोट किया, तो फिर 2014 से क्रीमिया रशिया के अंडर में आ गया। रशिया के अंडर में आने के बाद क्रीमिया में बहुत सारे चेंजेस हुए। सबसे पहले तो क्रीमिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम बदल के क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी रखा गया। फिर बहुत सारे स्टाफ चेंज हुए, वहाँ के रेक्टर चेंज हुए, और बहुत सारे एक्रीडिटेशंस में भी मॉडिफिकेशंस हुआ। शुरू के 2-3 साल वहाँ के स्टूडेंट्स को बहुत ही दिक्कत हुई, लेकिन फिर बाद में सब नॉर्मल हो गया। क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी है और स्ट्रिक्ट है। अगर आप पढ़ाई को लाइट ले लेना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी ना जाए। सेकेंडली, देखते हैं क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी का एडमिशन क्राइटेरिया। लास्ट ईयर तक क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 70% केमिस्ट्री और बायोलॉजी में एग्रीगेट होने चाहिए थे, लेकिन इस साल से 2020 में अगर आपको एडमिशन चाहिए क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में, तो आपके केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 60% होने चाहिए। अगर 60% आपके एग्रीगेट हो रहे हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, तो आप क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। अभी देखते हैं कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस क्या है। क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फ़ी पर ईयर 2,50,000 रूबल है। 2,50,000 रूबल उसकी पर ईयर फीस है, ट्यूशन फ़ी, जो अप्रॉक्सीमेटली 3,300 to 3,400 US डॉलर होता है अभी के रेट के हिसाब से। वहाँ की हॉस्टल फ़ी है 9,000 रूबल से लेके 15,000 रूबल पर ईयर, जो अप्रॉक्सीमेटली $200 जितनी हुई। तो आपका यूनिवर्सिटी फ़ी, हॉस्टल, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन, ये सब मिला के अप्रॉक्सीमेटली आपका 6 साल का 17 से 18 लाख तक का पैकेज बनेगा। फूड का फिर अलग से रहेगा। फूड उसमें 2 तरह से है, मेस में भी खाते हैं लोग, या टिफ़िन सर्विसेज भी है, या फिर आप सेल्फ कुकिंग भी कर सकते हो। हॉस्टल्स में किचन फैसिलिटी अवेलेबल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद भी कुक करते हैं। तो टोटल पैकेज क्रीमिया का, जैसे मैंने बताया, 17 से 18 लाख जितना बनता है, और फूड के साथ आप मिलाओ तो 22 to 23 lakhs का टोटल बजट आपका बनेगा 6 साल का क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि वहाँ की फ़ीस सबसे कम है। एक्चुअली रशिया में, जैसे मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है कि रशिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल का मतलब पहले 3 साल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और बाद के 3 साल रशियन मीडियम में पढ़ाते हैं। तो कुछ गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ है जो पूरे 6 साल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती है। उसमें क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी एक है जो बरसों से 6 साल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती है। उसके अलावा बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, कज़ान है, और मॉस्को की पिरोगोव रशियन नेशनल रिसर्च मेडिकल इंस्टीट्यूट, और IIM सिचेनोफस मॉस्को है, पीपल्स फ्रेंडशिप है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ 6 साल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती हैं। लेकिन जो 6 साल इंग्लिश मीडियम में यूनिवर्सिटीज़ होती है, उनकी फ़ीस थोड़ी हाई होती है। लेकिन एक क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी और एक बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये 2 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है कि जो 6 साल इंग्लिश मीडियम में होने के बावजूद उनकी फ़ीस कंपेरेटिवली बहुत कम है।
तो ये दोनों यूनिवर्सिटी का बेस्ट पार्ट है। क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में टोटल स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है 35,000। क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में काफ़ी फॉरेनर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, अराउंड 50 कंट्रीज से वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। वहाँ पे टीचिंग स्टाफ 2600 प्लस है। क्रीमिया में टोटल 7 हॉस्पिटल्स है जो क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के अंडर में है। क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में MBBS के अलावा भी बहुत सारे अदर कोर्सेज होते हैं। क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में टोटल मिला के 10 एकेडमिक्स एंड इंस्टीट्यूशंस है, 7 वोकेशनल कोर्सेज के इंस्टीट्यूट्स है और 12 एकेडमिक ब्रांचेज है और 40 रिसर्च एंड साइंस इंस्टीट्यूट्स है। और क्रीमिया में 7 हॉस्पिटल्स है जहाँ पे क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सारे क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी की टोटल इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और अगर आप क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एक्सपर्टीज एजुकेशन कंसल्टेंसी का कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको लोवेस्ट पैकेज में बेस्ट सर्विस ऑफर की जाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं जल्दी एक दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक एंड थैंक यू वेरी मच।